इन लोगों के लिए जो इसकी इताअत करते हैं, इसकी इताअत करते रहना। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, मैं मसीह हूं। बहुत जल्द आपकी बताई गई निशानियों की बुनियाद पर मुझे इज्जत होने की इजाजत दी जाएगी और मैं बाहर आने वाला हूं। जमीन पर कोई गांव, शहर या कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां मैं 40 दिन में इस सब तक पहुंच सकूं। काबा और तीवा के सवा तमाम जगहों के वो दोनों मेरे लिए दाखिल होने से मना कर दी गई है। जब भी मैं इनमें से किसी में दाखिल होना चाहूंगा, एक फरिश्ता तलवार लिए पहरे के लिए खड़ा होगा और वो मुझे अंदर जाने से रोकेगा। दज्जाल सबसे पहले इसराइल के करीब इशुम में पैदा होगा। यहूदी सबसे पहले इसकी पैरवी करेंगे क्योंकि वो अपने मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। जहां तक ईसाइयों का ताल्लुक है, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों को मिलाया है, वो सोचेंगे कि ये वही आदमी है। और चूंकि वो कहेगा मैं ईसा हूं, इसलिए वो इससे मुजजे मांगेंगे और वो ये मुजजात करेगा। फिर वो उनसे कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे वालिदैन को मर्दों में से जिंदा कर दूं तो क्या होगा। वो जिन्नों को इसके लिए काम करने के लिए मजबूर करेगा और वो उनको पैदा करेगा कि वो इनको अपने वालिदैन की तरह दिखाई देंगे और उससे गैर मुस्लिम मिल जाएंगे और कमजोर ईमान वाले मुसलमान इसके जाल में गिर जाएंगे।